हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल OESF फैमिली रिएक्शंस। मैं हूं वकास। मैं हूं मिसेस वकास। मैं हूं मोहम्मद सदीक आवान। और ये हैं डॉटर ऑफ वकास फबिया। तो ये आज बड़ी तैयार हुई हैं, कहती हैं मैंने भी वीडियो में बैठना है, तो हाई कर दो। ये कहती सब तैयार हो रहे हैं, मैं भी बैठूंगी। तो जी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इसके अलावा जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं उसका लिंक और हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सजेस्ट किए हुए किसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करें तो आप हमें इंस्टाग्राम पे उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। और जो आज की वीडियो उसका टाइटल है ब्यूटीफुल मैसेज, ईश्वर अल्लाह एक है, पावरफुल मैसेज बाय लड्डू। सो लेट्स बिगिन द वीडियो और देखते हैं कि इस वीडियो में हमें कौन सा पावरफुल मैसेज मिलने वाला है। सो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गंदे हो जाएंगे। राहुल पढ़ाई पे ध्यान दो। राहुल जल्दी करो, लेट हो जाएगा। आप सेम बातें बार बार रिपीट करके बोर नहीं होते? तुम सुनना शुरू कर दो, मैं रिपीट करना बंद कर दूंगी। शांता भाई तो सुनती थी फिर भी आप बार बार रिपीट करते थे, इसलिए वो काम छोड़कर चली गई। तुम अभी ये नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि हर काम का एक टाइम होता है। भूख और पोटी का कोई टाइम नहीं होता। दो ना प्लीज। आज दादाजी की बरसी है। बरसी मतलब? बरसी मतलब आज ही के दिन दादाजी भगवान जी के पास चले गए, और इसीलिए हर साल आज ही के दिन हम पंडित जी को खाना खिलाते हैं ताकि दादाजी को वो खाना मिले और वो हमें आशीर्वाद दे सके। दादाजी स्विगी से खाना क्यों नहीं मंगाते? क्योंकि वो अपना फोन यहीं पे भूल गए। तो आप दादाजी का फोन उनको कुरियर क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जहाँ दादाजी है ना वहाँ कुरियर जाता ही नहीं है। तो क्या पंडित जी दादाजी के स्विगी सर्विस है? ऐसे ही समझ लो। तो हम पंडित जी को रोज खाना क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि भगवान जी के घर बहुत सारे लोग हैं ना, अब अगर पंडित जी सिर्फ हमारे दादाजी के लिए खाना खाएंगे तो फिर दूसरों के दादाजी क्या खाएंगे? लेकिन फिर मेरे दादाजी तो बाकी के दिन भूखे रह जाएंगे ना। तुम जवाब सुनते भी हो या उसमें सवाल ढूंढते हो? चलो चलो ये टिफिन लो और वॉचमैन के साथ मंदिर जाओ और पंडित जी को खाना खिला के वापस आ जाओ, ठीक है? लेकिन अभी तो मेरा फेवरेट शो आने वाला है। बेटा प्लीज देखो, पापा सिंगापुर गए और मुझे भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाइए, जल्दी जाओ और वापस आ जाओ। लेकिन दादाजी तो आलू पूरी खाते ही नहीं थे, उन्हें तो बटर चिकन पसंद था, तो तुमने बटर चिकन क्यों नहीं बनाया? मंदिर में पंडित जी आलू पूरी खाएंगे लेकिन वहाँ भगवान जी के पास दादाजी को बटर चिकन मिल जाएगा। मैजिक आलू पूरी बटर चिकन बन जाएगा? हाँ मुझे तो जरूर देखना है। एक मिनट, ये है 101 रुपए, पंडित जी को दे देना। पंडित जी को खाना खाने के पैसे मिलते हैं? ये दक्षिणा है, खुशी खुशी दे रहे हैं हम। मुझे खाना खाने की दक्षिणा क्यों नहीं मिलती? टिकू लड्डू चाहिए या नहीं? हाँ तो फिर जल्दी जाओ पंडित जी को खाना खिला के वापस आओ। ओके गो, रेडी फॉर द मिशन। अरे बाप रे। वॉचमैन अंकल, वॉचमैन अंकल, वॉचमैन अंकल,
अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। बहुत भूखा हूँ मैं, दो दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। बच्चा अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ। इसमें क्या है? खाना। खाना? दो दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, दे दे बेटा। मेरे दादाजी ने एक साल से कुछ नहीं खाया। एक साल से? एक आइडिया दूँ? हाँ। आप पंडित बन जाओ, लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे, फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आइडिया नहीं, खाना चाहिए खाना। वैसे इधर कोई दूसरा मंदिर है? मंदिर उधर है और मस्जिद उधर। लेकिन मंदिर तो बंद है। भगवान के नाम पे दे दे कुछ, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे कुछ। आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आ गए हो। ये गलत जगह है? नहीं, जगह तो सही है, आप गलती से आ गए हो। मंदिर अगली वाली गली में है। ये क्या है फिर? ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार है। यहाँ क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कौन हो? मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जिद के पंडित हो ना। नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ बटर चिकन मिलेगा। उन्होंने एक साल से कुछ नहीं खाया, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, वहाँ कोई भी नहीं था। बेटा, जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी आप ही ने तो कहा कि आप दोनों सेम हो। खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है। अरे आप बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं। आप अल्लाह के नाम पे खा सकते हैं। फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो? आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता, यहाँ नहीं। क्यों, मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना, यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है, वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह कितने? अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम नहीं है? जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन हो तो मैं एक ही राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह से मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे? हाँ। मॉल में? हाँ। सब्जी बाजार में? हाँ। मंदिर में भी? हाँ भैया। तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? वैसे अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगना चाहूँ, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। तो अगर अल्लाह मेरी बात सुनने को तैयार है तो आप क्यों नहीं सुन रहे? ईश्वर कौन सा लड्डू है? मेरे दादाजी भी हमेशा लड्डू से ही शुरू करते थे। सबको सम्मति दे भगवान। दक्षिणा? नहीं बेटा, ये किसी गरीब को दे देना। ओके बाय।
उम्र जहनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई, वो सच्चाई जो भोली आंखों में दिखाई। पूजा, मैं 15-20 मिनट लेट हो जाऊंगी, तुम पेशेंट को सलाइन चढ़ा दो, मैं अभी आती हूँ। ओके पंडित जी ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहुल तुम कहाँ गए थे? दादाजी को खाना खिलाने। वीडियो तो हो गई है यहाँ पे ख़त्म, और मैं कहता हूँ यार ये कोई कमाल का मैसेज था। सही बात है, बिल्कुल। बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन यकीन करें कि उसके सवालों के अंदर वो बड़ी सच्चाई छुपी हुई थी कि जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अबू से शुरू करते हैं, अबू क्या कहते हैं इस बारे में? वो वाकई में मैसेज, मतलब बच्चे की बातें देख के ना एक बंदे को अंदर से बोलते, किस तरीके से वो बात से बात निकाल रहा था, किस कितने उसने सवालात कर लिए मौलवी साहब से, कि वो खुद ही बेचारे उन्होंने कहा कि वाकई में बच्चे की बात में सच्चाई है। असल में देखें, ईश्वर है, अल्लाह है, है तो है एक, तो एक, ही, एक ही है। अब कोई कोई नाम देता है, कोई नाम देता है, लेकिन असल में तो एक ही है। एक ही सही। हमारे मानने अलग अलग, हमारे तौर तरीके अलग अलग, पूजा करना, इबादत करने का तरीका अलग अलग, लेकिन हम एक ही को मानते हैं। तो बच्चे ने इस चीज़ को जो है ना बड़े अच्छे तरीके से अपने सवालों में इस चीज़ का वो कर दिया कि तुम मंदिर जाओ या तुम मस्जिद जाओ, मिलना तुम्हें वही है। बिल्कुल। अब्बू कुछ थोड़ा हौसला कर लें तो मैं अब्बू से अब्बू की राय जानना चाह रहा हूँ कि अब्बू इस मामले में क्या सोचते हैं, क्योंकि अब ये कहने को तो एक एंटरटेनिंग वीडियो थी, थोड़ा फनी स्टाइल में बनी हुई थी, लेकिन यकीन करें इतना बड़ा मैसेज इसके पीछे इतना बड़ा मैसेज है कि जो अगर कोई समझ गया ना इस मैसेज को, तो मैं कहता हूँ ये जो लड़ाई है ना ये ख़त्म हो जाएगी इस मैसेज को सुनने के बाद। अबू कुछ बोले आप? बस अच्छा मैसेज था, हम दोनों मज़हबों को सोचने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं करना, अपने अपने अकीदे हैं, आप अपनी जगह दुरुस्त, हम अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन जो बात बच्चे ने कही क्या बात है, मैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकूँगा, बस ठीक। यकीन करें हकीकत बात यही है, लेकिन अच्छा एक देखें एक और चीज़ भी है ना, मतलब अक्सर ऐसी चीज़ें इंडिया के अंदर ना इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा बनती हैं। हाँ। लेकिन हम मैंने कभी हकीकत है पाकिस्तान से ऐसी वीडियोस, ऐसे मैसेजेस नहीं देखे, नहीं होने चाहिए वैसे, तो इस तरह जो भाईचारे का मैसेज देते हो, जो चीज़ें जो हैं वो अमन की तरफ ले जाती हों, और दोनों कौमों को जो है वो आपस में मिलाने की बात करती हों, इस तरह के बहुत मतलब ना होने के बराबर होती हैं। बिल्कुल, मैसेज यहाँ से भी जाना चाहिए, देखें वो हमें मैसेज दे रहे हैं तो यहाँ से भी जाना चाहिए। आना का मसला तो किसी चीज़ में बनाना नहीं चाहिए, हमारा मज़हब भी कहता है भाईचारा अच्छी चीज़ है, सब्र अच्छी चीज़ है, किसी की कड़वी बात को भी अगर हजम कर लेना
हमारा मज़हब तो इसकी भी इजाज़त देता है। अब यहाँ से मैसेज तो क्यों नहीं जाते, जाने चाहिए इस किस्म के मैसेज जाने चाहिए, इससे जो दो दिलों में इख्तलाफ है वो दूर होते हैं। अब सच माने ये देखा है, दिल पिस रहा है, लेकिन हमारे अगर कहने से बात बन जाए तो बड़ी बात है, लेकिन मैसेज यहाँ से भी जाना चाहिए, इन्हें भी दिखाना चाहिए कि हाँ हम भी इस चीज़ के ख्वाह हैं कि हम भी तुमसे प्यार करते हैं, हम भी तुमसे प्यार करते हैं। हम तो करते ही हैं, हम तो इंशाल्लाह करते थे करते रहेंगे, हमारा कल्चर एक, हमारी शक्ल सूरतें एक, हमारा पहनावा तकरीबन एक जैसा एक ही है, वो ही है ना। कल वो हमारा एक मुल्क था, आज अगर हम जैसे दो भाई अगर आस पड़ोस में रह जाए अलग हो जाते हैं तो कोई दुश्मनी नहीं हो जाती, रहते फिर भी वो भाई है। तो अल्लाह करे हमारी कौम भी, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी इस किस्म के मैसेज वहाँ तक पहुँचाए और वहाँ से इस किस्म के मैसेज आए, देखे कैसे दूरियाँ होती ख़त्म होती हैं दूरियाँ। बिल्कुल। अच्छा दूसरी एक चीज़ और भी है ना, देखें इंसानियत जो है ना वो हर मज़हब से हर मज़हब में है, कोई हर मज़हब से भी आगे रखा गया इंसानियत को। अभी देख एक जानवर है ना, तो जानवर का तो कोई मज़हब ही नहीं है ना। अगर आप उसके साथ अच्छाई करते, आप उसको तकलीफ़ में देख के उसकी तकलीफ़ को दूर करते हो तो ये इंसानियत है आपकी। अगर आपके अंदर इंसानियत ही नहीं होगी तो आपके अंदर मजहब का होना ही बेकार है। वो इंसानियत नहीं तो वो तो जानवर है, जानवर से भी बदतर है। तो हर मजहब अपनी जगह, देखे कोई मजहब बुराई को पसंद नहीं करता, कोई मजहब कत्ल को पसंद, क्या हमारे अलावा भी बहुत मजहब बहुत के वो, हम जैसे हम कत्ल को गुनाह कबीरा समझते हैं, दूसरे मजहब भी समझते हैं चोरी को, नुकसान को, किसी का दिल तोड़ना, किसी के साथ जुल्म करना, हर मज़हब इसको पसंद नहीं करता। यही बात है। अब ना? हम कहें कि हमें सब कुछ है, नहीं, हर मज़हब में एक कानून है, एक आईन है, एक मतलब है तरीकाकार है। कोई मज़हब किसी के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करता, किसी के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। तो मैसेज खुदारा यहाँ से भी जाने चाहिए, यहाँ से क्या जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो भी तो देखते होंगे ना। हम एक पाकिस्तान ही तो नहीं देख रहा है, या पाकिस्तान में ही तो मुसलमानियत नहीं है, बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक हैं, उनको सबक लेना चाहिए इससे, इस मैसेज से सबक लेना चाहिए। अच्छा इंसानियत को जिस दिन हम आगे करके मज़हब को पीछे छोड़ेंगे तो उस दिन वैसे ही आधे से ज़्यादा मामला तो हमारे सुधर जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग हर चीज़ में मज़हब को घुसा देते हैं और इंसानियत को पीछे छोड़ देते हैं, इसीलिए तो ये मामला हल नहीं होते। तो हम लोगों को इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि हम लोग मज़हब को पीछे रख के इंसानियत को आगे रखें, ताकि हमारे बीच में भाईचारा कायम हो, अच्छे ताल्लुकात कायम हो, भले वो कोई भी हो आपके सामने। तो जब तक इंसानियत आप अपनी शो नहीं करेंगे, अच्छा इखलाक, अच्छी ज़ुबान अपनी नहीं दिखाएंगे, उस वक्त तक आपके मामलात अच्छे नहीं हो सकते। तो खैर जी वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। तो एक बात और थोड़ी सी करना चाहता हूँ कि हम जब तक एक दूसरे के मज़हब का एहतराम नहीं करेंगे, हमारे दिलों में हमें एहतराम करना चाहिए, हर मज़हब का हमारे लिए एहतराम है। इसी तरह एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करोगे तो इंशाल्लाह कभी ये दिल में कदूरतें नहीं आएंगी, नफ़रत नहीं आएगी। हमारे लिए यहाँ जितने पाकिस्तान के अंदर मंदिर हैं, हिंदू बिरादरी है, हमारे लिए कदर की निगाह से हम देखते हैं, हम पेशुतन होते हैं वो कि हमेशा उनकी जगहों की, उनके मंदिरों की हिफाजत की जाए। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन है ना जनूनी किस्म के लोग हैं हमेशा। कभी हमने ऐसा नहीं सुना। ये जनून की एक हद है कि एक गैर मजहब
बंदे को फैक्ट्री में जुनूनियों ने मार के फेंक दिया, ये कहाँ की शराफत है, ये कहाँ का मतलब है, मजहब है ये, क्या इस्लाम ये सिखाता है? नहीं, इस्लाम अमन भाईचारा सिखाता है। अगर कोई भटका हुआ हो तो उसे हिदायत की जाए, ना कि उसे कत्ल वगैरह। अगर उसकी कोई मजहब के मामले में उसने कोई गलती की है तो उसके लिए कानून बने हुए, कानून का दरवाजा खटखटाया जाए, ना कि आप डंडे और तलवारें लेकर उस पर। देखिए मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोगों को ना तो रोडों पे नंगा करके सरेआम फांसी दी जाए, ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो कि तुम लोगों ने जो ये, अगर उस, चलो उसने जो भी किया था, हम कहते हैं कुछ भी किया था, कानून बात हुई, हम कह रहे हैं उसके लिए कानून बना हुआ है, कानून है ही इसीलिए ना कि कानून उसको सजा देगा। आप कानून में शिकायत तो करते जाके आप बता बोलते तो सही कि हाँ भाई ये देखो हमने कानून के पास हम गए, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, फिर हमने किया मजबूरन, तो चले बात आपकी रख ली जाती कि हाँ यार आपने, लेकिन फिर भी आपको कोई हक ही नहीं पहुंचा कानून को अपने हाथ में लेने का किसी भी सूरत। तो यही चीज है कि हम लोगों में इंसानियत खत्म। आप हम इस वक्त हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान से कभी कोई ऐसा हुआ हो कि आपकी किसी मस्जिद को गिरा दिया गया हो, या आए दूसरे दिन आप ऐसी खबरें सुनते हो, आपसी मामलात मुल्क के अंदर चलते रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं कभी भी, वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो चल रहे होते हैं। लेकिन जितने मामलात हमारे यहाँ पे होते हैं, मंदिरों को कभी उनके तोड़ दिया जाना, कभी उनके ऊपर जुल्म करना, मतलब अपनी जो हमारे यहाँ पे जो कम तबका है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उनके ऊपर इस तरह के जुल्म अक्सर होते हैं, नहीं होने चाहिए। उनकी हिफाजत मुस्लिम मालिक जो भी है, उनके यहाँ जो अकलियत है, उनकी हिफाजत उस सरकार पर वाजिब है। तो चलें जी, खैर ये बहस तो बहुत लंबी है, फिर भी किसी और वीडियो में करेंगे खुल के इसके ऊपर तबसरा, और वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ।